समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगे हैं कि वो रात के अंधेरे में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं। क्या सच में आधी रात को अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं? क्या सच में अखिलेश और योगी के बीच सीक्रेट मीटिंग होती है? योगी सरकार के ही एक बड़े मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि आदित्यनाथ योगी से अखिलेश यादव का मिलना होता है, लेकिन रात के अंधेरे में। अटल जी, आपने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो सीएम योगी से मोदी से जो है रात के अंधेरे में छुप छुप के मिलते हैं। वीडियो दिखा में प्रधानमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से, दोनों लोगों से मिलते हैं। सुना आपने, योम प्रकाश राजभर हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की सरकार का भी हिस्सा रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो भी लोगों से नजरें बचाकर। राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, रात के अंधेरे में मिलते हैं, रात में सीएम योगी के लिए गुलदस्ता लेकर जाते हैं। यहाँ 5KD मुलाकात होती है कि वो ऑफिस में। अब हमारे पास फोटो आती है, वो फोटो हम जानते हैं कहाँ मिलते हैं, वो हम आपको फोटो दे सकते हैं। सवाल है, क्या सच में अखिलेश यादव रात के अंधेरे में योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं? अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? अगर मिलते ही हैं तो क्या सच में छिप कर मिलते हैं? दोनों का छिप कर मिलना भला कैसे मुमकिन है? अखिलेश का सर अपना आवास है, जब भी लखनऊ में अखिलेश होते हैं तो अपने इसी आवास में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में कालिदास मार्ग पर रहते हैं, जिसे 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग कहा जाता है। सीएम उसी आवास में रुकते हैं और अखिलेश अपने इस निजी आवास में। क्या लोगों की नजरों से खुद को छिपाकर अखिलेश योगी से मिलते हैं? क्या रात में पर्दे के पीछे सीक्रेट मीटिंग होती है और दिन के उजाले में योगी वर्सेस अखिलेश वाला राउंड शुरू हो जाता है? योगी वर्सेस अखिलेश राउंड 1। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी वर्सेस अखिलेश राउंड 2। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। ये तो बस बानगी है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आज भी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए देखा जा सकता है। चुनाव के वक्त भी वो एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। और तो और, यूपी विधानसभा में जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उस वक्त भी योगी और अखिलेश के बीच हुई जुबानी भिड़ंत सियासी सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि ये सिक्के का बस एक पहलू है। दूसरा पहलू वही है जो लोगों को दिखाई नहीं देता, वो रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में अखिलेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, रात के अंधेरे में अखिलेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। जब इनके समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का सवाल होता है, मैनपुरी लोकसभा जीतना होता है, तो ये सट जाते हैं उसके बाद तब हट जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिन आरोपों को लगाकर सियासत की दुनिया में सनसनी मचा दी है, लखनऊ में उसकी पड़ताल टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने की। विनोद मिश्रा ने ओम प्रकाश राजभर से बात की, लखनऊ की सियासत पर बहुत ही बारीक नजर रखने वाले पत्रकारों से बात की। लखनऊ विधानसभा में मौजूद नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस से सीएम के ऑफिस तक पहुंचाने वाले गलियारे को कदमों ने नापा। लखनऊ में अखिलेश यादव के बंगले से योगी आदित्यनाथ के आवास तक जाने वाले रास्ते की पड़ताल की। क्या अखिलेश के बंगले से सीएम आवास तक जाने का कोई खुफिया रास्ता भी है, ये भी पता लगाया। सियासत में नेताओं के मिलने जुलने की रवायत बहुत पुरानी है, लेकिन वो मुलाकात औपचारिकता वाली होती है। विपक्षी दलों के नेताओं का एक दूसरे से मिलना किसी भी एंगल से गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। राजभर का आरोप है कि अखिलेश यादव दिन में पानी पी पी कर बीजेपी सरकार की खामियां गिनाते हैं, लेकिन जब बात खुद के बचाव की आती है तो वो मोदी योगी से मिलने पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अभी जो सदन चला है जी। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या सरकार का समर्थन किया है कि नहीं किया है, आप बोलिए। किया ना, ये सब क्या है? मुख में राम बगल में छुड़ी कब्बे पाई, कहते थे कि कुछ लोग सट के मदद करते हटके करते कुछ सट करके, यही देखिए जो बात मैं बोलता हूँ सीना ठोक के बोलता हूँ। नहीं कहता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन का कुछ लोग सट के मदद करते हैं कुछ लोग हट करके। पिछले साल अक्टूबर महीने में ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार अखिलेश यादव पर ऐसे आरोप लगाए थे। इशारों ही इशारों में ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक बोल दिया था कि अखिलेश ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका हाल अरविंद केजरीवाल जैसा ना हो। सवाल है, क्या खुद को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए अखिलेश रात में योगी और मोदी से मिलते हैं? सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो मिलते हैं छुप छुप के, तो मकसद क्या, ये जो मिडनाइट मीटिंग है इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? आप बताइए कि स्टोरी तो यही है, गोमती रिवर फंड में नाम है ना, खनन वाले मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है ना, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? 151 घिर्रा के आ जा रहे हैं, 151 करके जेल हो जा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं आप बताइए, क्यों बच रहे हैं, क्या कारण है? तो छुप के रात को मिलते हैं या दिन में मिलते हैं? नहीं, रात को मिलते हैं अपनी की भाई जान बचाए रखिए। ओम प्रकाश राजभर से उनका पूरा पक्ष जानने के बाद नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा लखनऊ के उस विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचे जहां मौजूद एक नंबर का बंगला अखिलेश यादव का निजी आवास है, वहीं 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास है। दोनों बंगलों के बीच में करीब आधा किलोमीटर का ही फासला है, जिसे अगर कार से सफर करें तो 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। लेकिन क्या दोनों के आवास के बीच में कोई गुप्त रास्ता भी है? इसकी पड़ताल विनोद मिश्रा ने खुद उस रास्ते को तय करके की। अखिलेश यादव लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं, इसे विक्रमादित्य मार्ग कहा जाता है और इसी पर इनका अपना जो निजी आवास है उसे 1BD यानी एक विक्रमादित्य मार्ग कहा जाता है। ये अखिलेश का अपना आवास है, जब भी लखनऊ में अखिलेश होते हैं तो अपने इसी आवास में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में कालिदास मार्ग पर रहते हैं, जिसे 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग कहा जाता है। सीएम उसी आवास में रुकते हैं और अखिलेश अपने इस निजी आवास में। अगर अखिलेश के आवास से 5KD यानी सीएम के आवास तक जाना हो तो आपको इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये विक्रमादित्य मार्ग है। हालांकि दो रास्ते, आप पीछे के रास्ते भी जा सकते हैं और आगे के रास्ते से भी, ये आगे का रास्ता है और दोनों की दूरी लगभग बराबर है। अगर इस रास्ते से हम सीएम आवास तक जाएं अखिलेश यादव के आवास से तो करीब ये 500 मीटर और या 600 मीटर पड़ेगा। इसके लिए आपको दो रास्ते तय करने होंगे, एक तो सीधे आप जाएंगे और दूसरा यहां से आप राइट टर्न लेकर गौतम पल्ली मार्ग से भी जा सकते हैं।
इस विक्रमादित्य मार्ग पे आगे आपको चौराहा पड़ेगा, इसे वीडी चौराहा यानी विक्रमादित्य चौराहा कहते हैं। आप इस चौराहे से भी जा सकते हैं राइट लेकर, या फिर यहाँ से पहले से चौराहे से पहले भी एक राइट कट है जिसे शॉर्टकट भी आप कह सकते हैं। ये गौतम पल्ली होके 5KD यानी CM आवास तक जाता है। अगर आप इस रास्ते जाते हैं तो करीब 50 से 60 मीटर की दूरी आपकी बचती है, यानी कि थोड़ा शॉर्टकट है ये। चौराहे से जाकर आप राइट लेंगे और यहाँ से अगर आप राइट लेके इस गौतम पल्ली जाते हैं तो आपको थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा वक्त बचेगा। ये गौतम पल्ली का इलाका है, तमाम जो मंत्री हैं वो इस इन बंगलों में रहते हैं और यहाँ पे सरकारी अधिकारी भी रहते हैं। तो एक पूरा जो एरिया है ये 5KD चाहे कालिदास मार्ग हो, चाहे गौतम पल्ली हो, चाहे विक्रमादित्य मार्ग हो, ये सब जो है मंत्रियों के आवास है और ठीक इसके पीछे ही CM आवास है। लेकिन रास्ता आपको इधर से लेना पड़ेगा, कोई छुपा हुआ रास्ता नहीं है। यानी कि अखिलेश के आवास से अगर आप चुपके से 5KD जाना चाहते हो तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपको इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके ही 5KD जाना पड़ेगा। देखिए ये हम पहुंच गए मेन सड़क पर और यहाँ से जो है थोड़ा सा आप आगे करीब 100 मीटर आगे आप चलेंगे तो राइट हैंड में जो कालिदास मार्ग है उसकी शुरुआत होती है और